गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास लेसन 7, प्लेसेस अराउंड अस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कम्युनिटी? कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पीपुल लिविंग इन अ सेम एरिया कॉल्ड अ कम्युनिटी। एक ही समुदाय में एक ही जगह पर रहने वाले लोगों को समुदाय यानी कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2, नंबर हाउ शुड वी लिव विथ आवर नेबर्स? हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए? तो आंसर दिस, वी शुड कीप सॉरी हेल्प आवर नेबर्स एंड शेयर जॉयज एंड सॉरो विथ देम। ठीक है, हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए, है ना, समय आने पर हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ खुशी और दुख भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, नंबर 3, हाउ कैन वी इंजॉय आवर सेल्फ्स विथ आवर नेबर्स? हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे इंजॉय करते हैं? तो वी कैन गो फॉर पिकनिक एंड फेयर्स टुगेदर। हम उनके साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, है ना, या फिर मेले घूमने जाते हैं, मार्केट करने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। नंबर 4, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स दैट यू सीन इन योर नेबरहुड। ठीक है, अपने पड़ोस में जो आप देखते हैं, है ना, ऐसे 5 बिल्डिंग्स इमारतें, तो उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो हॉस्पिटल आपके, ठीक है, आपने देखा होगा अपने आसपास हॉस्पिटल रहता है, स्कूल रहता है, बैंक, पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एंड नंबर 5, नेम एनी 2 फेस्टिवल विच यू सेलिब्रेट टुगेदर विथ योर नेबर्स। ठीक है, ऐसे 2 फेस्टिवल के नाम लिखने हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ आप शेयर करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो होली एंड ईद। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, इसे आप राइट कर लेंगे। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, थैंक यू।